हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो में आपको 117 बता रहा था, बताते बताए वीडियो कट गया। मैं तुरंत ही जैसे वीडियो कटा मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो बनाने लगा। चलो इस बात पे क्या होगा, लगातार दो वीडियोस एक साथ आ जाएंगे, ठीक है? तो आप वो वीडियोस देख लेना, ठीक है? दोनों एक साथ देख लेना, ठीक है? चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ठीक है? मैं उस वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और लाइक भी कर देना। अब देखो उसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है? फिर मैं वहीं पर ले जाऊँगा जहाँ पर मैं रुका था, ठीक है? अब देखो क्या बोलो, अ सम ऑफ रुपीज 6.25 इज मेड अप ऑफ 80 कॉइन्स। देखो टोटल 80 कॉइन्स है, इन 80 कॉइन्स को जोड़ के, ठीक है, टोटल मेरा जो मनी आता है, टोटल अमाउंट होता है वो 6.25 आता है, ठीक है? बोला है विच आर इधर 10 पैसा और 5 पैसा। वो बोला है उसमें से, ठीक है, 5 पैसे और 10 पैसे हैं। बोला है कि नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स कितने होंगे वो पूछा, ठीक है? चलो अब वहीं पे मैं लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं सॉल्यूशन पे रुका था, तो वहाँ पे वीडियो कट गया था, ये मेरे से बाय मिस्टेकली हाथ से, ठीक है, मतलब रेड बटन दब गया था वीडियो वाला, ठीक है, तो कट गया, ठीक है? चलो अब वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ उसी क्वेश्चन पे। दो गाइज यहीं पे कटा था मेरा, ठीक है, यहीं पे वीडियो कट गया था, ठीक है? अब देखो मैं इसको समझा देता हूँ फिर से, मैं यहाँ से समझा। देखो टोटल कॉइन्स इतने हैं और टोटल अमाउंट 6.25 दिया है, ठीक है? उसमें से बोला टेन पैसे कुछ है और उसमें से कुछ फाइव पैसे हैं, ठीक है? तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स में 10 पैसा एक्स मानता हूँ और 5 में क्या करूँगा, 80 में से एक्स माइनस करूँगा तो 5 पैसा निकल आएगा। 10 पैसे को मैं 0.1x लिख सकता हूँ, ठीक है, और 50 पैसे को मैं 0.05 लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, ठीक है? सॉरी 50 पैसा नहीं, 5 पैसे, 5 पैसे को मैं 0.05 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है तो मेरा टोटल 55 पैसे कितने वो आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा 10 पैसे को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 10 पैसे कितना टोटल अमाउंट वो निकल आएगा। तो ये दोनों अमाउंट को जब मैं ऐड करूँगा तो वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है? कैसे कैसे करेंगे, देखो जीरो नीचे से 2 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो 1 जीरो करके, अभी भी नीचे क्या है 10 है, 5 × 8 40 होता है, 40 ऊपर का 40 में से 0 और नीचे वाला 0 काटेंगे तो 4 आएगा, तो 4 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, 0.05 पैसा, ठीक है, मतलब 5 पैसा। अब देखो ये 10 पैसा और ये 5 पैसा है, ठीक है, हमने इसको लिखा 10 पैसे में से 5 पैसा माइनस करते तो 5 पैसा ही आता है, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.05x, और ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में जाएगा, ठीक है, 6 में से 2 4 गया तो 2 2.25, ठीक है, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट हटाओ, 5 से काटो, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 5 जा 25, तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया 45। तो एक्स मेरा क्या था 10 पैसा था, 10 पैसा मेरा कितना आया 45, ठीक है, 45 क्या है ये पूछा गया था, 5 पैसा कॉइन्स है तो 45 कॉइन्स है ये मेरे, ठीक है। अब 5 पैसे कॉइन मेरे को निकालने होंगे तो क्या करूँगा, 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 45 करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 35 कॉइन्स, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 35 कॉइन्स, ठीक है। आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में देखते हैं 35 कॉइन्स दिया कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर देखो 35 दिया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 180 में, ठीक है। तो गाइस अब आई होप समझ में आ गया होगा पिछला क्वेश्चन, पिछला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, ठीक है, एक साथ होंगे, ठीक है। यही होता है गाइस, बीच में अगर वीडियो बनाते समय कुछ भी गलती हो जाती है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है, आधा अधूरा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप देख ही रहो गाइस, वीडियो बनाने में भी क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बस यही सबका क्या है अप्रिसिएशन चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 118 पे, क्या बोल रहा है। सुमित हैड 85 करेंसी नोट इन ऑल, ठीक है, सुमित के पास 85 करेंसी है इन ऑल, मतलब सब मिला के 85 करेंसी है। सम ऑफ विच वेयर ऑफ रुपीज 100 डोमिनेशंस एंड द रिमेनिंग ऑफ रुपीज 50 डोमिनेशंस, ठीक है। बोल रहा है कि 85 करेंसी नोट है उसके पास, करेंसी नोट की बात हो रही है, टोटल मनी की बात नहीं हो रही, टोटल करेंसी नोट 85, नोट टोटल नोट कितना ऐसे समझो, टोटल नोट कितना 85 है, उसमें से कुछ 100 रुपीज़ के नोट हैं और कुछ हैं 50 रुपीज़ के नोट। द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल दिस करेंसी नोट्स वॉज रुपीज़ 5000। अब टोटल
मतलब टोटल अमाउंट दे दिया, टोटल करें नोट दे दिया, टोटल अमाउंट दे दिया 5000, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट, अब पूछा 50 रुपीज़ नोट का क्या वैल्यू होगा। देखो टोटल नोट कितना है 85, टोटल अमाउंट कितना है 5000, 50 रुपीज़ नोट है और 100 रुपीज़ नोट है, ठीक है, सब कुछ दे दिया, सिंपल हो गया आपको। अब पूछा कि 50 रुपीज़ नोट कितने होंगे, आपसे पूछ सकता था 100 रुपीज़ नोट कितने होंगे, ठीक है, ये पूछ सकता था। करना कैसे दिखा, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। तो गाइस देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्या गिवन था, हमें दे दिया था टोटल नोट्स, ठीक है। टोटल नोट्स मेरा कितना दिया था 85, ठीक है, 85 दिया था, और टोटल रुपीज़ दे दिया था मेरे को, टोटल रुपीज़ दिया था कितना, रुपीज़ 5000, ठीक है, ये दे दिया था, ठीक है। लेट मैं मानता हूँ, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करूँगा, लेट मैं 100 रुपीज़ को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और 50 पैसा को, ठीक है, सॉरी 50 पैसा बोल रहा हूँ, 50 रुपीज़ को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल नोट्स मेरे को निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं एक्स प्लस वाई कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा 85 नोट आएंगे, ठीक है। ये क्या है, मेरा टोटल नोट्स है, ठीक है, नो मैंने क्या माना, ठीक है, लेट 100 रुपीज़ के कितने नोट है एक्स, और 50 रुपीज़ के कितने नोट है वाई, तो एक्स प्लस वाई में ये नोट है, ठीक है, एक्स प्लस वाई में क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा टोटल नोट्स, ठीक है। मैं इक्वेशन इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को रुपीज़ निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 100 रुपीज़ है, टोटल नोट्स कितने एक्स है, ठीक है, तो मैं इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो टोटल 100 रुपीज़ कितने आएंगे वो निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 50 इंटू क्या करूँगा वाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 50 रुपीज़ कितने वही, और टोटल इन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल रुपीज़ कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, और छोटा करूँगा, मैं 50 को काट देता हूँ, ठीक है, 51 जा 52 जा, और ये हो जाएगा 51 जा और 20 100 जा, ठीक है, क्योंकि 100, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा सेकंड, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों को माइनस करूँगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 85, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस करता हूँ तो ये देखो कट जाएगा, x y से y कट जाएगा, 2x में से x गया तो x बचा, और ये हो जाएगा 85 में से 100 में से 85 बचा, तो ये 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा x का वैल्यू निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, y का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 100, तो ये देखो 2 इंटू ये कितना हो गया, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 प्लस y इक्वल टू 100, तो y का वैल्यू मेरा कितना जाएगा, उधर जाएगा, तो 100 माइनस 30 70, तो x का वैल्यू आया मेरा, ठीक है, 15, और y का वैल्यू आया मेरा 70, ठीक है। अब y का और पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है 50 रुपीज़, टोटल 50 रुपीज़ क्या, और 50 और y क्या है, मैंने y को मैंने, ठीक है, 50 रुपीज़ को मैंने क्या माना था, y माना था, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, 50 रुपीज़ नोट निकालने, ठीक है, टोटल 50 रुपीज़ कितने होंगे, तो टोटल देखो कितना दिया है मेरे को, टोटल 50, तो टोटल मेरे कितने हैं नोट्स, 70 है, तो 50 × 70 करूँगा, ठीक है, तो देखो ये मेरे टोटल नोट्स है कितने 50, तो 50 × 70 करूँगा, तो 35 और 20 लगा दूंगा, तो टोटल रुपीज़ मेरा कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़ के 35 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा कितना, 5 रुपये, अब से पूछ सकता था कि 100 रुपीज़ कितने, ये भी पूछ सकता था, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, 3500, तो ऑप्शन में देखते हैं 3500 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर 3500 दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है, अ नंबर ऑफ ए पर्सन डिसाइडेड टू राइज रुपीज 3 लाख बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच। देखो नंबर ऑफ पर्सन, कुछ लोग थे उन्होंने डिसाइड किया है कि 3 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच, मतलब हर एक के साथ, हर मतलब हर एक जब कंट्रीब्यूट करेगा तो इक्वल अमाउंट में करेगा। मान लो 10 जन है तो 10 के 10 जन कितना, 5-5 रुपये करके कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वही बोला, जितने भी लोग होंगे सब इक्वल अमाउंट करेंगे और 3 लाख रुपए तक जमा करेंगे, ठीक है। अब देखो, हैड दे कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ फिफ्टी ईच एक्स्ट्रा, द कंट्रीब्यूशन वुड हैव बीन रुपीज़ 3.25 लाख, ठीक है।
हाउ मैनी पर्सन आर देयर, बोल रहा है कि अगर हर कोई 50 रुपीज और एक्स्ट्रा देता है तो टोटल अमाउंट अब हो जाता है 3,25,000, 3.25 लाख। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे वो निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि हम सब क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में पैसा जमा करते हैं ताकि 3 लाख रुपये जमा हो जाए। लेकिन क्या किया सबने, इक्वल सबने क्या किया, जितना भी रुपये दिया था उसमें क्या किया, 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। अब 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया तो अब टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, ठीक है, 3.25, ठीक है। पहले भी जितना अमाउंट देना था वो भी एक्स्ट्रा था, ठीक है, मतलब वो भी इक्वल था। फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो भी सबने क्या दिया, इक्वल ही दिया, ठीक है। तो दोनों दोनों ही क्या है, इक्वल दे रहे हैं। तो पूछा कि टोटल पर्सन कितने, हमें वो निकालना है, ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। लेट मैं नंबर ऑफ पर्सन को एस मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया था, क्या बोल दिया था, ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया कि हर कोई, एक तो पहली बात तो हर कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्लस दूसरा क्या बोल रहा है, और गिवन क्या दिया कि हर कोई 50 रुपये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ कि ईच पर्सन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ईच पर्सन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने एक्स, ठीक है, इंटू सब कोई क्या कर रहा है, ठीक है, 50 रुपये करके जमा कर रहा है तो इंटू 50, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। और हमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो कंट्रीब्यूट कर रहे तो 3,25,000 हो रहा है, और पहले कितना हो रहा था, 3 लाख हो रहा है, ठीक है, 2 जीरो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3 लाख हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50x, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 3,25,000 में से 3 लाख जाएगा तो 25,000 हो जाएगा, ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो कट गया और ये कट गया 5, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 500, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे मेरे, 500 है, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो, लेट मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन एक्स मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया कि हर एक कोई एक्स्ट्रा 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, और क्वेश्चन में बोल दिया था कि 50 रुपये जब एक्स्ट्रा दे रहा है तो 3,25,000 हो रहा है, और पहले कितना हो रहा था, 3 लाख, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 25,000, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि ईच पर्सन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, एक्स इंटू 50, ठीक है, ये करने से मेरा कितना आएगा, ठीक है, ये करने से मेरा क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना एक्स्ट्रा जमा हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 3,25,000 में से अगर मैं 3 लाख करूँगा, माइनस करूँगा, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, मैं 50 को काटूंगा तो ये कितने बार में, 500 बार में कटेगा, तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना है, 5, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना होंगे, 500 हो गए, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 500 दिया कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना है, 500, और ऑप्शन में कहीं पे भी 500 नहीं दिया, इसका मतलब हमारा नॉन ऑफ दीज आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 की तरफ, क्या बोला, राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस, ठीक है, राम शॉप पे गया 50 kg राइस खरीदने के लिए, ठीक है। अब क्या बोला, ही बाइज टू वेराइटीज ऑफ राइस, ठीक है, उसने दो वेराइटी के राइस खरीदे, विच कॉस्ट हिम 450 पर kg एंड 5 पर kg, ठीक है। उसने दो वैरायटी के राइस खरीदे, एक था 4.5 रुपये पर kg और एक था 5 रुपये पर kg, ठीक है। ही स्पेंड ₹240, उसने टोटल अमाउंट जो मतलब पे किया दोनों राइस लेने के बाद 240 किया। तो बोला व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस ब्रॉड बाय हिम, तो बोला है कि उसने कितना जो चीपर राइस कितना था, 4. कितने में खरीदा था, 4.5 रुपये में खरीदा था। तो बोला कितना केजी उसने खरीदा, क्वांटिटी मतलब कितना केजी उसने, ठीक है, 4.5 रुपये वाला खरीदा, ये निकालना है, ठीक है। तो बस गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाता हूँ इसके करेंगे कैसे। तो गाइस देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लेट क्वांटिटी ऑफ ₹4.50 पर केजी को मैं, ठीक है, एक्स केजी मान लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी ऑफ ₹5 पर केजी को मैं, ठीक है, टोटल देखो कितना दिया था, टोटल मेरा कितना केजी दिया था,
एक सेकेंड रुकना, 50 kg दिया था, ठीक है, 50 में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा 5 रुपीज़ पर केजी का क्वांटिटी निकल आएगा, ठीक है, तो 50 में माइनस एक्स करता हूँ तो मेरा ये निकल आएगा, ठीक है। अब देखो 4 रुपये पर केजी इतना था, ठीक है, तो टोटल उसने इतना केजी खरीदा होगा, ठीक है, और फिर और उसने 5 रुपये वाला केजी, उसने टोटल 50 माइनस एक्स केजी खरीदा होगा। अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल 4 रुपये केजी कितना खरीदा होगा वो निकल आएगा, 4.50 × x, ठीक है, और ठीक है, और इसको क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा निकल आएगा प्लस, टोटल उसने 5 kg वाला कितना खरीदा था वो निकल आएगा, तो 5 × 50 − x, और टोटल, ठीक है, और यही चीज़ मेरे को कितना उसने उसने पे कितना किया था टोटल, 240, तो 240 मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4.50 x प्लस 250 − 5 x इक्वल टू 240, ठीक है। अब देखो ये इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये कितना जाएगा, ठीक है, 0.05 आ जाएगा, 0.50 x इक्वल टू, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, एक्चुअली ये भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा, और ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा −10, ठीक है, 250 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा, 250 बड़ा होगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। देखो मैं सुविधा के लिए क्या करता हूँ, ठीक है, मैं 2 0 लगाता हूँ, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ 2 से, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया, 20, ठीक है, तो एक्स मैंने एक्स किसको माना था, इसको 4.50 पर केजी को, और यही चीपर था, तो चीपर इक्वल टू मेरा 20 kg आया, ठीक है। अगर आपसे 5 रुपीज़ वाला पूछता, ठीक है, ₹5 per kg वाला पूछता तो आप 50 में से 20 माइनस करते तो आता 30 kg, ठीक है, चीपर वाला पूछता तो 20 kg और कॉस्टली वाला पूछता तो 30 kg, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 20 kg दिया है कि नहीं, ठीक है, देखो कितना सिंपल था गाइस, ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं 20 kg दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 20 kg दिया है, ठीक है, ध्यान रखना गाइस यहाँ पे 30 kg भी दिया है, ये तो 30 kg वो कॉस्टली वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 121 की, क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड फ्रॉम अ सर्टेन स्कूल कैन मेक 5 आइटम्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। देखो हर एक बच्चा कुछ स्कूल में से, ठीक है, 5 आइटम बनाएगा हैंडीक्राफ्ट के इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 1125 हैंडीक्राफ्ट आइटम्स कैन आर टू बी डिस्प्लेड इन एन एग्जीबिशन, बोल रहा है कि एक एग्जीबिशन में 1125 हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 25 चिल्ड्रन मेक दिस आइटम्स, बोल रहा है कि 25 बच्चे कितने दिन में, ठीक है, इन्होंने मतलब इस आइटम को बनाया होगा, ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो गाइस क्वेश्चन में बोल दिया था कि एक दिन में जो हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे, मतलब 5 आइटम बन रहे हैं एक दिन में, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन वन डे, ठीक है, एक दिन में, या फिर इन अ डे लिख देता हूँ, ठीक है। ये गाइस मैं समझाने के लिए सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह नहीं करना है, ठीक है, इक्वल टू 5। अब बोल रहा है 25 स्टूडेंट कितने बनाए, तो नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा कितना दिया था, 25 दिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अगर 25 एक दिन में 5 बन रहे और टोटल इतना दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मैं टोटल हैंडीक्राफ्ट कितने बनेंगे वो मैं आराम से निकाल लूँगा एक दिन में टोटल, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इन अ डे, ठीक है, इक्वल टू 5 × 25, एक दिन का कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा हैंडीक्राफ्ट। अब पूछा है क्या है, पूछा है कि 1125 हैंडीक्राफ्ट कितने दिन में बने होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज यहां से मैं निकालूंगा, तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इक्वल टू 1125 को मैं 125 से जब डिवाइड करूंगा तो आराम से निकल आएगा, ठीक है। देखो इसे ये कितनी बार में जाता है, ठीक है,
टेन से करूँगा तो देखो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नाइन से जाना चाहिए। वन टू फाइव को मैं नाइन से करता हूँ तो जाएगा 45, 4, 18, 22 का 2, 11, देखो ये पूरा पूरी नाइन से जा रहा है, तो उसको कितने दिन लगे होंगे, ठीक है 9 डेज लगे होंगे, ठीक है मतलब 25 बच्चे को, ठीक है 1125 हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए 9 डेज लगे होंगे। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है चलो ऑप्शन में देखते हैं 9 डेज दिया कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना आया, 9 डेज आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। ऑन द चिल्ड्रंस डे स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3,540 चिल्ड्रंस, ठीक है चिल्ड्रंस डे के दिन, ठीक है बोल रहा है कि जो स्वीट्स थे वो बराबर सब में बटे गए, कितने बच्चों में बटे गए, 540 चिल्ड्रंस में बटे गए। बट ऑन डैट डे, लेकिन उस दिन 120 चिल्ड्रंस वेयर एबसेंट, लेकिन 120 चिल्ड्रंस एबसेंट हो गए, टोटल चिल्ड्रंस थे टोटल बच्चे कितने थे, 540 में से 120 क्या हो गए, एबसेंट हो गए, ठीक है हैंस ईच चाइल्ड गॉट 4 मोर स्वीट्स, ठीक है तो 120 बच्चे एबसेंट होने के कारण हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिले, ठीक है हाउ मेनी स्वीट्स वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच चाइल्ड ओरिजिनली, लेकिन ओरिजिनली में कितने स्वीट्स हर एक बच्चे को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे, ठीक है ये पूछा है, ठीक है तो ईजी क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं, ठीक है चलो करके देखते हैं इसको। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है मैं क्या करता हूँ लेट, ठीक है नंबर ऑफ चलो देखो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट, ठीक है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है एक्स मैंने मान लिया उसको, ठीक है अब देखो टोटल अगर हर एक बच्चे को एक्स स्वीट्स मिल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को समझ लो भाई, ठीक है चिल्ड्रंस को नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कितने स्वीट्स मिले होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या फिर नंबर ऑफ मैं स्वीट्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होंगे, ठीक है बच्चे कितने थे 540, 540 को मैं इंटू एक्स करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5040x, टोटल स्वीट्स इतने थे और ठीक है और स्वीट्स कितने बच्चे हर एक बच्चे को इतने बटे गए, ठीक है अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया था कि 120 बच्चे एबसेंट थे तो रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने बचे, 540 थे इसमें से 120 गए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है तो इतने बच्चे आए हुए थे, ठीक है अब देखो इक्वेट कर देंगे, ठीक है देखो टोटल स्वीट्स कितने थे 540, ठीक है इक्वल टू अभी बच्चे कितने 420, ठीक है 400 कितने थे 20 थे, इनको मिलना कितना, एक सेकंड एक जगह गलती हो गया, हाँ गलती कुछ नहीं हुआ, देखो अभी क्या है टोटल इतने बच्चे थे, ठीक है इतने बच्चे होने के कारण इनको जितना स्वीट्स मिलना था वो तो मिलेगा ही, प्लस 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे मतलब एक्स प्लस 4 एक्स्ट्रा स्वीट्स उसको मिलेंगे, ठीक है पहले 540 बच्चे थे उनको एक्स स्वीट्स मिले, 120 बच्चे एबसेंट होने पे, ठीक है उनको एक्स स्वीट्स तो मिले प्लस 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिले तो ये कितना हो जाएगा 540x इक्वल टू 420x प्लस ये कितना हो जाएगा 1680, ठीक है ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 में से 20 गया 20x और ये 5 में से 120 और ये कितना हो जाएगा 1680, ठीक है मैं इसको डायरेक्ट 4 से काट देता हूँ, ठीक है 30 जा पहले तो 00 काटते हैं, 00 पहले काट देते हैं, ठीक है 00 कट गया अब देखो इसको काटो 3 से पहले इसको काटो ये 00 काटा 4 से काटा 3 से इसे काटा 42 से, ठीक है अब काटो 14 बार में कट जाएगा तो x मेरा कितना आया 14 और क्वेश्चन में यही पूछा था कि ओरिजिनली स्वीट्स कितने होंगे, ठीक है ओरिजिनल कितने बटे होंगे तो क्या हर एक बच्चे को कितने x बचेंगे, हमारा कितना था नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट x तो x का वैल्यू आया 14 तो हमारा आंसर कितना होगा 14, ठीक है चलो ऑप्शन में देखते हैं 14 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 14 दिया हुआ है,
ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो मैंने दो वीडियो एक साथ बना दिया, दोनों वीडियो को एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। तो आप देखना, ठीक है, नोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है। और अभी तक अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और लाइक भी करें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। हाँ, मतलब अभी जो रिसेंटली जो बच्चे मतलब RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं उनका थोड़ा कुछ कुछ कमेंट आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। बट जिन लोग जो लोग करते हैं, ठीक है, मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, बट उनका कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है, और ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, बट वीडियो देख के वो लोग बेनिफिट उठा, ठीक है, देखो बेनिफिट उठाओ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, ठीक है, बस इतना ही है। सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दो। आप भले ही नहीं जुड़ रहे चैनल से, ठीक है, सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ रहे, बट दूसरों को जुड़ा दो, बस आपसे यही विनती है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 123 से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।